मैं अभी आता हूँ, तुम दोनों बहन भाई यहीं खड़े रहना, कहीं जाना मत। तो राम राम सब भाई बहनों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मजा आपकी खूबसूरती के इस नए पार्ट में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मजा आपके मजे लेना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। हालात ये हो गए हैं, तीनों साहिबान को अर्ज करता हूँ कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज बढ़ जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? जी समझ रहे हो। क्या क्या पड़ता है? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे, लेकिन ये कि जो ये कुछ नहीं है, नहीं ये नहीं, उन्होंने पूरी सिचुएशन बॉक्स में बंद कर दी के साथ, इसका मजा नहीं। Hey, I'll come look at this. अस्सलाम वालेकुम राम भाई। वालेकुम सलाम मियां भाई। मस्जिद के लिए कुछ चंदा दोगे? मेरा ला मेरा लेंगे। इस पेट्रोल पंप में इस जगह पर आग लगाई जाती है, इस जगह पर आग लगाने के बाद ये ब्लास्ट करता है थोड़ी देर बाद, और इसको आग लगा के फेंक दिया जाता है। और अहमको, पेट्रोल बम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बोतल में तेल डाला और उसको फेंक दिया और पेट्रोल बम होता है। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी पेट्रोल बम आया? झूठ बोलने नकल में भी अकल चाहिए। इस तरह के लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि जी प्लास्टिक बोतल में, प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल बम दिखा दिया, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा। ये तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, चार पाँव वाले। ठीक है, अच्छा चार पाँव वाले कुत्ते लाजमी है ये बोलना, दो पाँव वाले बिल्कुल नहीं। ठीक है समरिया, ये दो पाँव वाले कुत्ते बड़े यार, मुझे फैसिनेट हो गया हूँ मैं जानने के लिए कौन है ये दो पाँव वाले कुत्ते। ये बाकायदा भौंकते भी हैं? काटते भी हैं, भौंकते भी हैं। अच्छा, इनकी दुम आगे होती है पीछे होती है? अरे भाई, अरे 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 भाई, हाँ ये बनाओ वीडियो। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर। किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर सारे। अब आप पूछो चाचा जी से। उमर कैसे करोगे आप बम ब्लास्ट? कैसे होगा बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? छह साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। सही पकड़े हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक साइड पे 20-22 साल का बच्चा लड़का जिसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, एक साइड पे 35-40 साल का बाबा कर लें जिसके सर पे बाल नहीं है, बड़ी बड़ी मूछ है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, अगर आपको दोनों तरह से प्रपोजल आए तो शादी किसे एक्सेप्ट करेंगे? आइए देखते हैं। अच्छा मतलब 22 साल वाला गरीब होगा? हाँ 22 साल वाला। आपके पास तो प्लस पॉइंट है, आप तो इतनी प्यारी भी हैं माशाल्लाह। ठीक है, मैं जो है ना फिर देखिए, गरीबी में वक्त नहीं गुजरता आजकल, तो मैं जो है ना 35 साल की तरह ही जाऊंगी। एक साहब हदीस से साबित कर रहे हैं कि हजरत आयशा की शादी के वक्त उम्र 19-17 साल थी, इसके बारे में सही बात किया है। हजरत आयशा के निकाह के वक्त उम्र, रुखसती के वक्त उम्र 9 साल थी। क्या जो लोग कह रहे हैं ना 17 साल थी, उनके दलाइल भी मैंने सुने हैं, उनके दलाइल मजबूत नहीं है। और ये पता है क्यों कर रहे हैं वो ये? ऐसा वो ये इसलिए कह रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि गैर मुस्लिम जब सुनता है यार 9 साल की बच्ची का निकाह 50 साल के एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई तो बड़ी अजीब बात है, तो वो समझते हैं कि हम ये जब करेंगे कि नहीं भाई 17 साल थी या 19 साल थी, तो गैर मुस्लिम मुतमईन हो जाएंगे, वो फिर भी मुतमईन नहीं होंगे,
इसलिए कि 18 साल की बच्ची का निकाह 50 साल के शख्स से होगा तो ये भी तो उनकी नजर में अजीब है ना। भाई भी गजरा मैं क्या सर पे लगाऊं कहाँ लगाऊं? हाँ 100 में ले ले सारे, 100 में लेके सर पे लगाऊंगा कहाँ लगाऊंगा मैं? लगेगा तू प्राडो में जा। प्राडो में नहीं जाना मैं, इसमें का इसका पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, प्राडो का कौन भरेगा पेट्रोल? तेरे सर के बाल जल्दी आ जाए। अबे नहीं इमोशनल डैमेज। लकड़ी की काठी काठी पे मुल्ला, मुल्ले के लुल्बे जो मारा है तोड़ा 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 मुल्ला उठा के तोड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे मुल्ला, मुल्ले के लुल्बे जो मारा है तोड़ा 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 मुल्ला उठा के तोड़ा। वाह दीदी वाह दीदी। चलिए आप मुझे बताएं, दुनिया में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, खाला की बेटी या फूफो की बेटी, दोनों में से किसी एक से शादी करनी है आपको, तो आप किससे करेंगे? मैम ऐसा पॉसिबल है कि मैं दोनों ऑप्शन यूटिलाइज करूं? मजा आ गया। तो साथियों आशा करता हूँ आपको भी खूब मजा आया होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ शेयर भी कर देना। चलते चलते आप देखिए ये एक और मजेदार क्लिप, आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। आर यू कॉमेडी मी? जी ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई। कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है। जी जी अनवर मकसूद ने अभी बताया है। बंद करें आप। मैं करता हूँ बंद। आप फोन नहीं करें। नहीं मेरे एक दो और बात अजीज वकारिब है, मैं उनको भी जब बता दूं। आपने कितनी अच्छी बात की है और मैं इसे सिर्फ अपने तक महदूद रखूं, ये तो बहुत अजीब बात है। हेलो पुतन मियां, अस्सलाम वालेकुम, हम बोल रहे हैं। पता चला तुम्हें कुछ? हाँ पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है। कैसा लगा मेरा मजाक?